वजीर आजम इमरान खान ने मुल्क में कोरोना वैक्सीनेशन मुहिम का बाजाबता आगाज कर दिया। वजीर आजम की मौजूदगी में हेल्थ वर्कर को इंजेक्शन लगाकर कोरोना वैक्सीनेशन का आगाज कर दिया गया। इस्लामाबाद में मुनक्दा तकरीब में वजीर मनसूबाबंदी असद उमर, फैसल सुल्तान, फवाद चौधरी और डॉक्टर सानिया निश्तर भी मौजूद थे। इस मौके पर वजीर आजम इमरान खान का कहना था कि सबसे पहले कोरोना वैक्सीन तिबी अमले को दी जाएगी। कोई ये ना समझे कि हमने वैक्सीन किसी एक सूबे में ज्यादा तकसीम की है, तमाम सूबों में वैक्सीन की तकसीम मुनसफाना होगी। कि सबसे पहले जिस तरह डॉक्टर साहब को दिए हमने, हेल्थ वर्कर्स को पहले लगेंगी जो जो काम करते हैं कोरोना के मरीजों के साथ, तो उनको सबसे पहले, और उसके बाद फिर एक एज ग्रुप जो कि जिस एज में ज़्यादा ख़तरा है कोरोना का, उसको उनको लगेंगी। और मैं ये भी आज कहना चाहता हूँ कि सारे सूबों में ये डिस्ट्रीब्यूट एक ही तरह हो रहा है, यानी मुनसफाना तरीके से हो रहा है। कोई ये ना समझे कि हमने ये जो हमारे पास 5 लाख वैक्सीन आई हैं इनको हमने किसी एक सूबे में ज़्यादा बांटा है, ये बिल्कुल मुनसफाना तरीके से इसका इसकी डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है। हुकूमत की तरफ से सूबों को इंसदादे कोरोना वैक्सीन की तरसील भी शुरू कर दी गई है। खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, बलोचिस्तान और आज़ाद कश्मीर को कोरोना वैक्सीन मौसूल हो गई है। अरमान यूसुफ, सब न्यूज़, इस्लामाबाद।